हेलो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ टॉल लाइक रिसेप्टर्स को आपको पता है कि इम्यूनिटी के दो अलग अलग पार्ट हैं एक इननेट इम्यूनिटी एक एडेप्टिव इम्यूनिटी इन्नेट इम्यूनिटी में वो चीज़ें आती हैं जो बर्थ से प्रजेंट रहती हैं और हमें प्रोटेक्ट करती हैं फॉल जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो आफ्टर बर्थ एक्सपोजर ऑफ पैथोजन के बाद हमारी बॉडी में डेवलप होती है जैसे कि एंटीबॉडीज तो जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टॉपिक टॉल लाइक रिसेप्टर या टी एल आर वो एक पार्ट है इननेट इम्यूनिटी का और इनेट इम्यूनिटी में अदर बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे कि कंप्लीमेंट प्रोटीन और अदर फिजिकल बैरियर जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टॉल लाइक रिसेप्टर क्या होते हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती द दॉल लाइक रिसेप्टर आर ए क्लास ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर क्या होते हैं इम्यूनोलॉजी में हम पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर उन्हें कहते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं पी ए एम पी को पैथोजन एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न ये पैथोजन एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न क्या होंगे क्योंकि हमारी बॉडी में जब भी कोई एबनॉर्मिलिटी होती है तो वहाँ पर कोई पैथोजन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जब पैथोजन बैक्टीरिया वायरल होगा तो उसके डिफरेंट कंपोनेंट जैसे कि प्रोटीन लिपिड या उसके मेम्ब्रेन के कंपोनेंट यहाँ पे उन्हें हमारा पीआरआर या हमारी बॉडी में जो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर हैं वो उसे रिकॉग्नाइज करेंगे इन केस ऑफ इननेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी के केस में क्या होता है वहाँ पर टी सेल होती हैं बी सेल होती हैं और एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं तो टोल लाइक रिसेप्टर्स क्या हैं सिंपली रिसेप्टर्स हैं जैसा कि हम सिग्नलिंग में बहुत सारे रिसेप्टर पढ़ते हैं जो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं मेनली रिसेप्टर और कहाँ पे लोकेट होते हैं आइदर सेल सरफेस पे या साइटोसोल पे या न्यूक्लियस पे तो जो टॉल लाइक रिसेप्टर हैं वो कहाँ पे लोकेट होंगे या तो सेल सरफेस पे होंगे या इंट्रा कंपार्टमेंट में होंगे यहाँ पे आप समझिए कि टीएल हम किसे कह रहे हैं टी एक रिसेप्टर है जो हमारा सेल मेमरी पे लोकेटेड है ये क्लास है एक पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर की क्या टी एल आर टॉल लाइक रिसेप्टर और ये क्या रिकॉग्नाइज करेगा ये पैथोजन में प्रेजेंट डिफरेंट सिग्नल या सिग्नेचर्स को रिकॉग्नाइज करेगा जैसे कि लिपिड हो गया प्रोटीन कौन सी प्रोटीन है या लिपोपोलीसेक्राइड है या उसका डीएनए या न्यूक्लिक एसिड है तो डिफरेंट टाइप के पैथोजेनिक लिगेंड को टीएलआर रिकॉग्नाइज करता है और डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग को स्टार्ट करता है दूसरी चीज है कि इनका कंपोजिशन क्या होता है टॉल लाइक रिसेप्टर आर सिग्नलिंग रिसेप्टर मेड अप्रल अप ट्रांसमेंटीन ग्लाइको ये ग्लाइकोप्रोटीन होती, ट्रांस होती है प्रोटीन टू टाइप की होती है मेमब्रेन में एक इंटीग्रल और दूसरी पेरीफेरल तो ये इंटीग्रल है जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है कौन टी एल आर प्रोटीन देन आपको पता है कि किसी भी प्रोटीन के दो डोमेन होते हैं एक एंटर्मिनल डोमेन एक सी टर्मिनल यहाँ पे जो एन टर्मिनल डोमेन है वो एल एल आर रिच कंटेन है यहाँ पे ल्यूसिन रिच रिपीट हैं जो रिकॉग्नाइज करती हैं डिफरेंट पैथोजन एसोसिएटेड पैटर्न को एंड जो सी टर्मिनल डोमेन है वो डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग को स्टार्ट करता है यहाँ पे मैंने एन टर्मिनल डोमेन दिखाया है जो रिकॉग्नाइज कर रहा है पी ए एम पी को और सी टर्मिनल डोमेन डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग को स्टार्ट करेगा इसके बाद है कि ऑल टी एल आर सिंथेसाइज इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रैफिक टू रिक्रूटेड टू सेल रिक्रूटेड होंगे इंट्रा सेलर टीएल जो हमारे सेल सरफेस टीएलआर है वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही सिंथेसाइज होंगे गोल्जी से ट्रैफिक करेंगे देन सेल सरफेस पर इज हो जाएंगे उनमें आता है टी एल आर वन टीएल फोर फाइव सिक्स एंड टेन ये सेल सरफेस टीएल हैं लेकिन जो इंट्रा सेलर हैं उनमें आते हैं टी एल आर थ्री सेवन एट एंड नाइन ये कहाँ पे लोकलाइज होते हैं ये आइदर एंडोसोम पे या लाइसोसोम पे या एंडोलाइसोसोम्प पे देन हमने कहा कि टीएल आर रिकोगनाइज करता है डिफरेंट टाइप के पी ए एम पी को तो वो पी ए एम पी क्या है डिफरेंट टीएल रिकोगनाइज डिफरेंट लीगेंट सचैसे लिपिड लिपोप्रोटीन प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड या मैमब्रेन कम्पोनेंट प्लाज्मा मैमब्रेन के कुछ भी कंपोनेंट को जैसे बैक्टीरिया की प्लाज्मा मैम्ब्रेन या वायरल में उसका न्यूक्लिक एसिड तो डिफरेंट टाइप के टीएलआर होते हैं डिफरेंट टाइप के लीगेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट टॉल लाइक रिसेप्टर के नेम और उनके पर्टिकुलर स्पेसिफिक लिगेंड को दिया गया है जैसे टीएलआर टू रिकोगज करता है बैक्टीरियल पेप्टीडोग्लाइकोन को बैक्टीरिया में, तो में होता है तो उसे रिकोगनाइज करता है टीएलनाइज like करता है हमारा एल पी एस ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में होता है लिपोपोलीसेराइड उसे रिकोगनाइज करता है टॉल लाइक रिसेप्टर फाइव रिकोगनाइज करता है हमारा बैक्टीरियल फ्लैज प्रोटीन को टी एल आर नाइन करता है बैक्टीरियल सी पी जी डी एन ए को टॉल लाइक रिसेप्टर थर्टीन करता है बैक्टीरियल ट्वेंटी थ्री एस राइबोसोमल आरएनए को इसके बाद वायरल वायरस का है टॉल लाइक रिसेप्टर थर्ड रिकॉग्नाइज करता है वायरल डबल स्टैंडर्ड आर एन ए को टॉल लाइक रिसेप्टर नाइन रिकॉग्नाइज करता है वायरल सीपीजी डीएनए को टॉल लाइक रिसेप्टर सेवन एंड एट रिकॉग्नाइज करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस तो ये है हमारा टॉल लाइक रिसेप्टर और उसके लिगेंड कभी कभी पूछा जाता है कि टॉल लाइक रिसेप्टर ये किसे रिकॉग्नाइज करता है या मैचअप में पूछा जाता है दूसरा आपको याद रखना है टॉल लाइक रिसेप्टर्स की प्रॉपर्टीज वो किसे रिकॉग्नाइज करती हैं और वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है या नहीं है एंड अलग अलग टॉल लाइक रिसेप्टर को कैसे क्लासिफाई किया गया है कौन टॉल लाइक रिसेप्टर सेल सरफेस पे लोकेट होते हैं और कौन इंट्रा लोकेट होते हैं तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो